हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। देवदत्त अग्रवाल का आपको राम राम, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा। दोस्तों मैं हूं अभी अपनी लैब में, आपने देखा होगा मेरी लैब, ये देखी होगी आपने मैथिली बॉय अजय के चैनल पे। तो क्या बोलते हो सर, दोस्तों लोगों को कैसी लगी होगी लैब? शानदार, बहुत अच्छे रिव्यू आए इसके। और सच बताओ तो अभी मैं अपनी लैब को और थोड़ा सा हम करने वाले हैं, कुछ नया देखने वाले हैं। बिल्कुल नया रिव्यू करेंगे उसके, बहुत जल्दी अपनी लैब को कुछ नया देखने वाले हैं। और इंडियन फ्लैग मैंने लगा के रखा है, प्लीज उस पर कमेंट मत करना कि टेढ़ा हो जाता है ये मुझे भी है, क्योंकि एज अ बीन इंडियन मुझे भी बुरा लगता है। और दोस्तों इसको मैं ना, ये बाय चांस हो जाता है तो ये गलती ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं गलत तरीके से टेढ़ा लगाता हूँ। तो ये इंडियन फ्लैग में लगाता हूँ ये बताने के लिए कि अगर कोई विदेशी जब हमको देखते हैं तो उनको पता होता है ये फ्लैग देख के कि भाई हम इंडियन के इंडिया से हैं, क्योंकि बेसिकली वो हमको एशिया में कहीं से भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच पहले आपको सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और इस वीडियो को पहले से ही ढेर सारे लाइक देने के लिए। और ये वीडियो है बेसिकली रेडमी 10, तो ये रेडमी 10 है और ये डेड कंडीशन में है। और यहाँ पर इसका हम डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करके हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सो वीडियोस पर है तो देखते हैं इसको चालू करके कि बेसिकली डेड फोन का डायग्नोस क्या है। तो कल हमारी डेड फोन की क्लासेस भी हैं, एक अच्छा सा एक उनको वो भी मिलेगा, एक जिसको बोलते हैं ना एक केस स्टडी जो स्टूडेंट को है। तो चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, चलो चालू करते हैं वीडियो को। यार देखो यहाँ पे है ना, पहले मैं बता देता हूँ इसमें सीपीयू में किस सीपीयू पे काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा सीपीयू है वो मीडियाटेक का सीपीयू है, और यहाँ पे क्या क्या ऑलरेडी काम हो रखा है तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये मीडियाटेक का जो सीपीयू है उसका नंबर, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि डेड फोन में काम कर रहे हैं तो बूट सिक्वेंस आप किस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडियाटेक का बूट सिक्वेंस अलग है और डेड फोन और क्वालकॉम का बूट सिक्वेंस अलग है। और अगर आप चाहते हैं मेरे से बूट सिक्वेंस वीडियो, तो देखो मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो दे सकता हूँ, पीछे मैंने बहुत अच्छा सा ड्रॉ किया हुआ है और इसको बहुत अच्छा समझा सकता हूँ, बट हालांकि तो अभी तो फिलहाल क्लास में समझा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बूट सिक्वेंस की, तो अभी अगर मैं फिलहाल बात करूँ बूट सिक्वेंस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो केस है वो केस भी उतरा हुआ है, मतलब पर्टिकुलरली केस तो हर जगह था उतरा हुआ है, क्योंकि मे बी लोग ज्यादातर इस पर हीटिंग करते हैं, रीहॉटिंग करते हैं, तो ये केस भी यहां से उतरा हुआ है। और देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर, तो मुझे नहीं लगता यहां पर कोई ट्रैक उखड़ी है यहां पर भी, क्योंकि तो ट्रैक उखड़ती है तो अपने आप अलग ही दिखाई देती है, यहां पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए नेटवर्क सेक्शन का केस उखड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे एक आईसी टूटी हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो आईसी है ये हमारी टूटी हुई दिखाई दे रही है, तो इस आईसी पे भी हम काम कर सकते हैं, बट ये बेसिकली बैंड स्विचिंग आईसी होगी ऑब्वियस है। और यहाँ पर ये हमारी मे बी DRX होगी नेटवर्क का, और ये हमारा आपका मीडियाटेक का RF है, और ये हमारा 2G PFO है, और एक सेक्शन उन्होंने यहाँ पे डाला होगा जो कि अभी इन्होंने बनाया नहीं है और डिजाइन किया हुआ है, और एक आईसी यहाँ पे इन्होंने डाली हुई है, ये मेरे ख्याल से आपकी जो OVP आईसी होगी, और एक ये मेरा ये जो है ऑडियो आईसी है। देखो दोस्तों अभी के नए सेटों में ऑडियो आपके लैग वाले ऑडियो आ रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं, तो ये मेरी ऑडियो आईसी है, ये मेरे दो कॉइल लगे हैं, आप कॉइल पे भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर जम्पर मारा है या सड़ गया ये कॉइल। तो और अगर हम देखें तो ये मेरी ग्राफिक्स आईसी है, तो यहाँ पे ये मेरी लाइट आईसी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डायोड और DA दिखाई दे रहा है। तो पहले ना बोर्ड का डायग्नोस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मेरे LDOs लगे हुए हैं, ये मेरी LED लगी हुई है, मेरी LED आईसी है, और यहाँ पर भी मेरे को एक आईसी दी हुई है, और दो आपके यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो आईसी है ये रिसीवर आईसी हो सकती है, तो इसको डायग्नोस करने पर ही पता चलेगा, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं तो एक अंदाजा मार रहा हूँ, क्योंकि रेडमी 10 का बेसिकली क्या है स्कीमेटिक नहीं है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे भी दो कॉइल लगे हुए हैं और यहाँ पे भी आपके दो कॉइल लगे हुए हैं, तो ये तो 102% ही आपकी स्मार्ट पी है, पर ये मेरा हो जाता है रिसीवर सेक्शन आईसी दे दिया हो या कोई सा भी आईसी। देखो अभी तो गैस कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी रेडमी 10 का कोई अभी डायग्राम है नहीं है, बट बोर्डनियो से भी हम इसको समझ सकते हैं क्या। तो
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मेरा क्रिस्टल लगा हुआ है 26 मेगाहर्ट्ज़ का और ये मेरी पावर है और पावर का 6358W। क्योंकि 6358W के बूट सिक्वेंस क्या होता है, बेसिकली इसमें 9 तरह की आपके बक कॉइलें लगी होनी चाहिए, जो कि 9 तरह में देखा जाए तो सीपीयू पे जाने वाली आपके जो टोटल जो सीपीयू में जाती है वो 7 होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए आपके एलडीयू की, जो कि घूम फिर के वापस पावर में आ जाती है। तो 9 का क्या गेम है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपकी जो लगी होती है वो वीपीए के लिए, एक मॉडेम के लिए लगी होती है, एक जो होती है वो प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 और एक लगा होता है आपका यहाँ पर आपका डी रैम के लिए और बाकी एक VS1 VS2 जो कि हमारे जो LDO की लाइन है और 2 और हमारे से यहाँ पर छूट गई होगी जो कि एक GPU की लाइन है और एक मॉडेम, मॉडेम को ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एक GPU की लाइन है। तो बेसिकली जीपीयू की लाइन है, तो ये हमारी इस तरह से 9 कॉल बन जाती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर एक मॉडेम ले लो, एक प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2, एक डी रैम ले लो, एक वीपीए ले लो और फिर उसके बाद में दो एक VS1 ले लो, एक VS2 ले लो और अभी भी आपके पास में जो 2 कॉल बच रही है तो वी कोर एक वीपीए और एक वीडी रैम और जीपीयू, सो एक वी कोर ले लो और एक जीपीयू ले लो। तो ये जो लाइन है इस पर क्या वोल्टेज आना चाहिए, तो चलो सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। और भाई मेरे, और मैं इसको आपको पहले डीसी मशीन की रीडिंग दिखा देता हूं कि डीसी मशीन पे ये कितना रीडिंग ले रहा है। तो यहां पर केबल लगा देता हूं, देखो केबल लग गई है। अब यहां पर डीसी मशीन की रीडिंग दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको पास में लाता हूं, कैमरे को सीधा कर देता हूं। अब आप देखो डीसी मशीन की रीडिंग देखना यहां पर, और यहां पर ये मेरा कनेक्टर है, ठीक है, और इस कनेक्टर पे सबसे पहले तो डीसी मशीन की रीडिंग देख लेंगे तो हमारे लिए ठीक होगा। तो यहां पर लगेगा MC6 क्योंकि कनेक्टर MC6 का है, तो ये मैंने लगा दिया कनेक्टर। अब आप देख सकते हैं फिलहाल शॉर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, पावर की दबाऊंगा यहाँ पर तो देखिए, और पीसीबी को भी दबाया है, थोड़ा सा प्रेस किया है क्योंकि हो सकता है कि पावर की प्रेस ना हो रहा हो, तो देखो पावर की प्रेस नहीं हो रहा है फिर से। तो इसका केबल सॉरी निकला हुआ है, तो इसका केबल लगा दूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरी बूट केबल लगी हुई है। अब देखो फिर से पावर की, अब ये है, अब पावर की दबाऊंगा तो देखिए ये यहां पर आप रीडिंग देख सकते हो, ये देखो ये पॉइंट जीरो नाइन। तो बेसिकली ये जो है ना, ये 0.09 पे जाकर रिटर्न हो रही है, और 0.09 पे जाकर रिटर्न होना इसका क्या मतलब हो सकता है, तो खैर ये तो डायरेक्ट सोल्यूशन में भी हम निकाल सकते हैं, बट आप लोगों के लिए क्योंकि वीडियो है तो मैं एक डायग्नोस्टिक वीडियो बनाना चाहता हूं। तो चलो अब मैं आपको अपने मल्टीमीटर पे ले जाता हूं, और ये मैं अपने मल्टीमीटर पे ले गया हूं, ये आप देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर है, तो आज हम इस पे काम करेंगे। तो यहां पर मैंने इसको वोल्टेज पे सेट किया हुआ है और यहां पे हम ऑसिलोस्कोप नहीं देखेंगे, यहां पे हम वोल्टेज देखेंगे, तो इसको फिलहाल यहां पे डाल देता हूं। अब यहां पर तो आप देखते रहिए, यहाँ पे मेरा जो मल्टीमीटर है वो तैयार हो गया है, और यहाँ पर हम सबसे पहले चार्जर लगा लेते हैं। देखिए टाइप सी है तो हम टाइप सी में चार्जर लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर चार्जर दे दिया है और आप देख सकते हैं हमने बैटरी निकाल दिया। तो सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों को आई होप पता तो होगा कि बैटरी में आपको वोल्टेज नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ बैट सेंस का यूज किया गया है अगर, और दूसरा यहाँ पर आपको बैट टर्म और बैट आईडी के वोल्टेज मिल सकते हैं, तो यहाँ पर वो वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। तो आप ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर में ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर 2.7 वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो यहां पर एक जगह 2.7 मिल रहे हैं और एक 1.7। तो बेसिकली मेरे को बैट टर्म बैट आईडी पे वोल्टेज तो मिल रहे हैं। अब मैं सबसे पहले यहां पर बीपीएच की लाइन चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा जो बीपीएच है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है ये मेरे बीपीएच लाइन के कैपेसिटर है, तो ये लाइन के कैपेसिटर मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पर मेरे को लगभग 3.1 से 4.2 वोल्टेज आना चाहिए। सो आप देखिए 4.4 क्योंकि बहुत अच्छे हैं, 4.3 वोल्टेज आ रहे हैं, 4.4 ही बराबर है। अब मेरे यहाँ पर मेरी जो बक और एलडीओ है वो मैं चेक करूंगा। सो मुझे 0.8 मिलना चाहिए और 2 वोल्टेज मुझे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए जो अलग है, तो देखूंगा। देखो ये 2 वोल्टेज मिल गए, ये मेरे को आप देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये बीपीए का हो सकता है, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.7, ये 1.1, ये डी रैम का हो सकता है और ये 1.3। तो मेरे ये जो 2 वोल्टेज हैं और ये जो 1.3 है, मतलब ये स्टेबल है। आप नोटिस करो ये वोल्टेज स्टेबल है, इसका मतलब है कि मेरे ये 2 वोल्टेज वापस पावर आईसी में इन हो रहे हैं एज एलडीओ, ताकि जो मेरे वीरेग है वोल्टेज वो बन सके, और मेरे जो हायर वोल्टेज है लोअर वोल्टेज, इनको हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज। और ये हायर वोल्टेज आपका वीरेज बनाता है, जैसे वीआईओ 1.8 L5 की लाइन और बहुत सारे L जो बनते हैं वो इन दो कॉइल से मिलकर बनते हैं। तो ये सारी चीज तो आप समझ गए होंगे। तो चलो दोस्तों अभी काम करते हैं कि यहाँ पर, तो देखो अब यहाँ पे पावर का कोई भी काम नहीं है, यहाँ वीपीएच लाइन बिल्कुल आ रही है, यहाँ पर अभी कोई किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। तो अब क्या करें जब यहाँ पे पावर का काम नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ पे हर तरह की लाइन आ रही है, तो अब हम क्या करें? अब हम ये चेक करेंगे कि ये फोन जो मीडियाटेक का फोन है ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सो बेसिकली हम इसमें पोर्ट चेक करेंगे, तो आइए आपको पोर्ट भी चेक करवा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको पोर्ट चेक करवा देता हूँ। तो देखिए मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है, अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा। तो देखिए मैंने बैटरी निकाल के रखा हुआ है, मीडियाटेक फोन पोर्ट बनाता है और लेके छोड़ देता है। अगर वो स्टेबल होगा तो हम इसके यूएफए सीएमसी पे जाएंगे, पर अगर वो छोड़ देता है तो फिर हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। बट अगर ये नहीं बनाता है तो इसका मतलब है हम इसके सीपीयू पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं जिस केबल से काम कर रहा हूं कहीं वो ऐसा तो नहीं कि लगी, आप ये सोचे कि वो लगी है कि नहीं लगी है। तो एक जनरली कोई सा भी एक मोबाइल फोन कनेक्ट करके देखूंगा मैं यहाँ पर, जो एंड्रॉयड टाइप सी वाला कनेक्टर होगा जिसमें यहाँ पर। सो देखिए तो ये कनेक्ट किया, देखो आवाज आ गई आपको यहाँ पर, और ये आपने देखा कि यही केबल मेरा कनेक्ट हो रहा है। तो अब मैं ये केबल, अब मैं इसको अपना ये वाला मोबाइल लगा के देखूंगा, नोटिस कीजिएगा, ये देखिए। और अब आप देखिए कोई भी हलचल नहीं हो रही है, किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही है, केबल पूरी तरीके से लगी हुई है। आपके सामने मैं केबल फिर से निकाल के फिर से लगा देता हूं, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि पोर्ट नहीं बन रहा है। तो देखो सही डायग्नोस पे काम करोगे और सही डायग्नोस पे खेलोगे तो आप बिल्कुल सही काम कर सकते हो और सही रिजल्ट एक बार में निकाल सकते हो। सो इसका मतलब ये है कि हम इसके सीपीयू पे जा सकते हैं और इसके सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हैं, और हमारे सीपीयू रिवॉल्व करने पर हमारे इसको वन टाइम में हमें सोल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड है तो जरूरी नहीं है कि सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद में सेट हो सकता है, कि चालू होने के बाद में ये स्टॉक हो जाए 0.8, 0.9, 0.7 या 10 पोर्ट। तो इसका मतलब है कि हम इसके फिर बाद में ईएमसी को भी या जो इसमें यूएफएस लगी है उसको हम रिवॉल्व करेंगे। सो ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए कि हमें दोनों पे ही काम करना है। तो अब हम चलिए चलते हैं और हम रिबॉलिंग करते हैं सीपीयू की और रीमाउंट करते हैं सीपीयू।
मेरी जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो गई थी और मैं काम करे जा रहा था, तो मैंने हालांकि हल्का सा सीपीयू लगा दिया, उसको टच करना बाकी है तो मैं टच कर देता हूँ। पहला टच तो दे दिया, आप देखते हैं कि मेरा फोन चालू होता है कि नहीं होता, नहीं तो मैं फिर से एक बार वन टाइम मोड टच करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार मैं बहुत ज्यादा टच नहीं देता क्योंकि कोई मतलब नहीं है। पहली बार एक हल्का का टच दो, उसके बाद सेकेंड बार में मोड एंड टच दो। और बीच में फ्रीज जो स्क्रीन थी वो फ्रीज हो गई समहाउ। ठीक है, तो स्क्रीन बंद करने का टाइम और ये कैमरा ऑन करने का टाइम। अब हम फोन को लगाएंगे इधर और चेक करेंगे कि भाई हमारा क्या सीन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं तो देखिए, आपने देखा कि इसने लोगों पे ले लिया है देखिए, और ये बैटरी कम होने की वजह से देखिए ये रीस्टार्ट अभी मतलब रीस्टार्ट करने लगा है पर लोगों ले लिया है, पर बैटरी कम होने की वजह से हो सकता है कि अभी लो बैटरी पर दिखा रहा हो, लो साइन दिखा रहा हो, तो उसकी बैटरी को बूस्ट कर लेते हैं और उसकी बैटरी को बूस्ट करके इस पर लगा लेते हैं। तो कैसा रहा वीडियो बताएगा जरूर, और क्योंकि हमें तो पूरा चालू करना है, हम तो कर ही लेंगे, पर ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा, नॉलेजेबल रहा कि नहीं रहा। आप चाहते हैं कि मैं आप अभी इसकी बैटरी बूस्ट कर लेता हूँ, मैं आप चाहते हैं कि ये देखिए मेरे पास में एक्टिवेटर है बूस्ट करने के लिए, तो मैं सर से कहूँगा सर बूस्ट कर दो। तो आप चाहते हैं कि अगर आप परफेक्ट नॉलेज लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिक्वेंस वाइज काम करना चाहते हैं, सीपीयू वाइज काम करना चाहते हैं, तुक्के पे काम नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस टेलीकॉम में आ सकते हैं, और अच्छे लगे तो आप हमसे नॉलेज ले सकते हैं और हम आपको देंगे आईसी वाइज नॉलेज हर पैड का। और हमारी क्लास जो है वो सिस्टमेटिक क्लास होती है, काफ़ी अच्छे बड़ी टीचरों की टीम है और काफ़ी नॉलेजेबल है। सो ये वीडियो देखते रहेगा, थैंक यू वेरी मच। हाँ चलो कर। सो देखिए दोस्तों ये सेट है और यही अभी हम देख रहे थे, ये देखिए सेट हमारा ऑन हो गया है, बट क्यों, क्योंकि बैटरी बेसिकली रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और बैटरी बिल्कुल डेड है। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी।
तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।